हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल। मैं फिर आपके सामने बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ आ गया हूँ जो, ठीक है। और जैसे कि आप सामने समझ ही हो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हीरो होंडा का जो है एक्सट्रीम 125 R के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, एक और हीरो होंडा का न्यू मॉडल जो है लॉन्च हो गया है जो, ठीक है, जिसमें जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो है। अगर आप रक्षाबंधन पर या फिर आने वाली दिवाली पर जो है मतलब कि नई बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं जो है, तो आपके लिए बहुत ही मजेदार साबित हो सकता है जो, ठीक है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप आपको इसका बाइक का डिजाइन वगैरह मतलब अच्छा लगता है जो है, और इसके डिटेल वगैरह, इसके फीचर्स वगैरह पसंद आते हैं जो है, तो आप बुक कर सकते हैं इसके टेस्ट ड्राइव जो। आप या तो अपने नजदीकी शोरूम से जो है या फिर वेबसाइट से इसका जो डिटेल भर के आप जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं जो, ठीक है। चलिए, अभी फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जो फटाफट जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एक्सट्रीम 125 R चैलेंज द एक्सट्रीम जो, ठीक है। देखिए, इसका जो है दिल्ली का जो है, दिल्ली का जो है मतलब एक शोरूम प्राइस इसका जो है 95,800 है जो है, ठीक है, 95,800 जो है, ठीक है। आप अपने जो है मतलब कि जिस स्टेट के भी हैं, आप अपने एरिया में पता कर लीजिएगा प्राइस जो है क्या चल रहा है जो, ठीक है। चलिए, हम इसका डिटेल जो देखिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो है, देखिए कलर वगैरह इसका जो है एक्सट्रीम जो बड़ी स्टाइलिश स्टाइल, सेफ्टी देखिए, वन फ्रंट डिस्क ब्रेक है स्टॉप इन सेकेंड विद द 276 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक, दैट्स ऑल, नेवर लेट यू डाउन। फ्रंट डिस्क ब्रेक, ब्रेक इसका देखिए काफ़ी सॉलिड है जो है, ठीक है। डिस्क ब्रेक दिया हुआ है इसमें जो है। फिर देखिए, प्रीवियस 0.2 hazard लैम्प, द डार्क डज नॉट स्टैंड अ चांस थैंक्स टू पावरफुल हजार्ड लैम्प्स। इसका लाइट पीछे का बैक साइड का जो है सॉलिड काफ़ी पावरफुल है जो है, ठीक है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में देखिए दिया हुआ है जो, स्प्रिंट EBT इंजन इंक्रीज पावर एंड ट्यून गियर रेशियो टू डिलीवर ऑन द राइड क्वालिटी एंड एक्सेलरेशन। और इसका देखिए 0.2 pneumatic माइलेज, अनबिलीवेबल इफिशंसी विद एन आउटस्टैंडिंग 66 km/L माइलेज जो है, ठीक है। 1 लीटर में 66 किलोमीटर चलने वाला है जो, ठीक है। राइडिंग देखिए इसका जो है, अनबीटेबल वाइड रियर टायर फर्स्ट इन सेगमेंट, 120/18 सेक्शन टायर इन इंक्रीज स्टेबिलिटी, 0.02 मोनो शॉक सस्पेंशन, गिव्स यू इम्प्रूवड एबिलिटी सॉरी एजिलिटी एंड इनहेंस कंफर्ट। इसका जो है आपको जो है सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है इसमें जो है। और देखिए कलर के बारे में, कलर वेरिएंट के बारे में देख लेते हैं जो है। देखिए इसमें कलर देखिए कोबाल्ट ब्लू, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फायर स्टॉर्म रेड, उसके बाद से स्टालियन ब्लैक, ठीक है। तीन कलर दिया हुआ है जो, ठीक है, 99,500 रुपये, 95,000। ये कलर के हिसाब से प्राइस इसका अलग दिया हुआ है जो है, इसलिए ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जो है कि कलर के हिसाब से प्राइस का भी अलग अलग दिया हुआ है, 99,500, 95,000। चलिए ठीक है, इन डाउन जो है इसके फुल डिटेल के बारे में देख लेते हैं जो। देखिए इसका जो है 5.9 सेकेंड में जो है ये पिकअप बना लेता है 0 से 60 km/h तक का जो है, ठीक है। 125 cc का इंजन इसका जो है, देखिए डिस्प्लेसमेंट 11.4 bhp एंड 8,250 rpm मैक्सिमम पावर। उसके बाद देखिए इसका 10.5 Nm 6,500 rpm मैक्सिमम टार्क, ठीक है। चलिए व्यू इसका जो है फुल इस व्यू क्लिक कर लेते हैं जो है। देखिए ओवरऑल लेंथ इस जो है mm में दिया हुआ 2009, ओवरऑल विड्थ mm, डायमेंशन इसका जो है 793, ओवरऑल हाइट mm 1051, ठीक है।
उसके बाद से व्हील बेस एमएम में 1319 सीट हाइट एमएम में 794 ग्राउंड क्लियरेंस एमएम 180 ट्रेल एमएम में जो है 89.2 है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इसका 10 लीटर का है ठीक है। इसका जो है कर्व मास केजी सेल्फ डिस्क कास्ट 136 है जो है ठीक है। और देखिए इसका जो है और डिटेल आगे चलते हैं इसका जो है ये इंजन के बारे में और एक्सेलरेशन पॉइंट जैसे कि आप पहले देख ही चुके हैं जो है कि ये जो है 5.9 सेकंड में जो है मतलब कि स्पीड बना लेता है जो है 0 से जो है 60 किलोमीटर पर आवर तक जो है ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन जैसे कि 66 किलोमीटर पर आवर इसमें जो है जैसे कि मैं आप इसको पहले बता ही चुका हूँ जो है। इंजन टाइप देखिए एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक बोर एंड स्ट्रोक 52.4 mm गुड़े 57.8 mm डिस्प्लेसमेंट जो है देखिए सेंटीमीटर 3 में 124.7 है। मैक्सिमम पावर जो RPM वही 11.4 BHP एंड 8250 RPM। अब मैक्सिमम टार्क इसका जो देखिए 10.9 ये तो जान चुके हैं जो है 6500 RPM। फ्यूल सिस्टम जो है फ्यूल इंजेक्शन देखिए व्हील एंड टायर्स के बारे में डिटेल दिया। व्हील टायर ऑलाय का इसका जो है मतलब रिंग बना हुआ है जो है ठीक है। फ्रंट टायर साइज जो है 90/90 17TL का है। रियर टायर साइज जो है 120/80 80/17TL का है जो ठीक है। फिर देखिए इसके सस्पेंशन के बारे में देखिए डिटेल दिया हुआ है। फ्रंट सस्पेंशन इसका जो डाया जो है 37 कन्वेंशनल फॉर्क उसके बाद रियर सस्पेंशन टाइप जो है हाइड्रोलिक शॉक एब्सॉर्ब्स ठीक है। उसके बाद जो देखिए ट्रांसमिशन एंड चेजिस कैस्टर जो है 24.1 डिग्री स्टीयरिंग एंगल जो है 45 डिग्री देखिए। फ्रेम टाइप इसका जो है स्विंग आर्म डायमंड ट्यूबुलर फैब्रिकेटेड। ट्रांसमिशन टाइप कांस्टेंट मेस 5 स्पीड। क्लच टाइप वेट मल्टीप्लेट ठीक है। इसका देखिए ब्रेक जो है ब्रेक्स के बारे में फ्रंट ब्रेक टाइप जो डिस्क टाइप है CBS डाया 240 mm डिस्क है। टाइप ABS डाया 276 mm का है। देखिए रियर ब्रेक टाइप विथ CBS ड्रम टाइप डाया 130 ठीक है। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल्स देखिए बैटरी इसका जो है MF 112 वोल्ट जो है 4H ETZ5 स्टार्टिंग सिस्टम सेल्फ है विथ Y3S एंड किक सिस्टम जो है मतलब सेल्फ दिया हुआ और किक भी दिया हुआ और Y3 सिस्टम जो होता है इसमें कि आप जो है मतलब इसे कि मैं पहले भी दूसरे बाइक में बता चुका हूँ जो कि Y3 सिस्टम ये होता है जिससे कि मतलब कि आप कहीं ट्रैफिक फंसा होते हैं जो है तो बाइक आपका जो अपने आप बंद हो जाती है जिससे कि जो आपके फ्यूल जो है मतलब कि काफ़ी बचत होती है जो ठीक है। जैसे कि आप आपको लोगों को याद होगा कि जो है कि आई स्मार्ट बाइक आई थी जो है मतलब कि इस तरह का जो है जिसमें आपका जो है फ्यूल बचता है जो ठीक है। अब जो सभी धीरे धीरे देना शुरू कर दिया I3 टेक्नोलॉजी जो है ठीक है। उसके बाद ACG कैपेसिटी देखिए WRPM 160 वाट बाई 5000 RPM जो है ठीक है। देखो मैं आप यहाँ पर आपको जो है मतलब पूरा मैं इसका फुल एक एक पॉइंट डिटेल जो है मतलब कि शायद ही कोई आपको जो है बताता होगा जो है ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का वीडियो देखा है जो लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर ही बता देते हैं जो है लेकिन मैं आपको जो है मतलब कि मैं प्रयास करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट सारा डिटेल आपको जो है बता सकूँ जो है ठीक है। बाकी अगर कुछ छूट जाए तो आप जो है मतलब कमेंट कर सकते हैं जो है कि ये पोर्शन जो है बच गया जो है ठीक है। तो मैं उसको भी जो है क्लियर करने का प्रयास जो है करूँगा जो है ठीक है। चलिए जैसे कि मैंने लगभग इसका सारा डिटेल मैंने आपको इस बिस्फिक के बारे में प्राइस के बारे में करंट के बारे में जो है जैसे कि बता दिया है जो है ठीक है। देखिए यहाँ से अगर वेबसाइट पर इसके आते हैं जो तो यहाँ पर दिल्ली का दिया हुआ है जो है तो यहाँ से आप मैं जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है UP का हूँ जो है तो जैसे कि यहाँ से अपना स्टेट जो है सेलेक्ट करके जो है जैसे कि यहाँ से अपना जैसे स्टेट मैं सेलेक्ट कर लूँगा जैसे कि देखिए मैं ये उत्तर प्रदेश ठीक है और सिटी हमारा जो बलिया है जो है ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं जो है मतलब कि यहाँ से आप जो है सेलेक्ट करके आप जो है देखिए मेरे जैसे कि उत्तर प्रदेश में बलिया सिटी में इसका जो है
एक्सट्रीम देखिए जो है जिसमें दो दिया हुआ है जो है एक्सट्रीम 125R IBS 95,711 शोरूम प्राइस, एक्सट्रीम 125R IBS का जो है 1,839 रुपये जो है फाइनेंस अवेलेबल बाय नाउ जो है ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्टेट के हिसाब से और सिटीज़ के हिसाब से अपना जो इसके बारे में प्राइस जो है मतलब किस यहाँ चेक कर सकते हैं जो है ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जो है ठीक है। और चलिए फिर एक और मज़ेदार वीडियो के साथ मिलेंगे, चलिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।